गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सभी को? यस सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। स्क्रीन भी आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो होमवर्क कर लिया कल का सबने? यस सर। यस सर। होमवर्क कर लिया? शिवम मुझे बता 14 का आंसर क्या आया जल्दी से। सर 14 वाले का सर, बस सही 14 वाला नहीं गया, 13 वाला था, कर लिया। तो अभी मैं 13 वाला पूछ। अच्छा 13 वाले का आंसर क्या आया? सर एक सेकंड, रजिस्टर में से बता रहा हूं। 14 वाला क्यों नहीं आया सर? मैं बताऊं 14 का आंसर? बता। माइनस का 455। माइनस का इतना 455? पॉजिटिव नंबर का सम कभी माइनस में? 455 माइनस का? यस सर। पीछे से आंसर मैच करना एक बार सर, चेक करा। सर 625 है सर, मैंने 10th का बताया। 10th का बताया? अच्छा। हाँ, और थर्ड 14th का क्या है? 625? नो सर, 14th का है सर, 14th का 625 है। मैं और कौन सी भाषा में कह रहा हूँ? और 13th का क्या है सर? 13th का 960। सही कह रहा है क्या दिव्यांक? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो फिर सर। हाँ फरमाओ सर। मैं तो सर 13 वाले का 128 ही आ रहा था। तो फिर पीछे से आंसर मैच नहीं किया क्या तूने? नो सर। क्यों क्यों आ रहा था तेरा गलत? क्यों मेरे को सेंड क्यों नहीं करता तू? मेरे को कैसे पता चलेगा तू क्या गलती कर रहा है? अब आज तेरा पनिशमेंट है क्वेश्चन नंबर 13th एंड 14th दोनों तू 5-5 टाइम्स करके आएगा कल। और सर 10 टाइम्स सर। सर एक चीज पूछूं क्या आपसे आज? हां पूछो। सर पापा आए थे क्या? हाँ पापा आए थे। सच्ची में? हाँ मुच्ची में। आप भी उनकी तरह के झूठ बोलना। हाँ नहीं सही में आए थे, और ये 5-5 बारी हो जानी चाहिए, नहीं तो कल मम्मी को भी बुला लेंगे। ठीक है आपने बुलाया था। हाँ ये 5 times और ये 5 times हो जाने चाहिए कल तक, है ना? समझ गया? समझा कि नहीं समझा, या समझाऊं फिर से? हाँ भाई समझ गया। समझ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन जॉब समझते हो? जैसे कोई भी, जैसे आपने सुना होगा जो होते हैं ना ठेकेदार, जैसे रोड बनाने का ठेका ले लेते हैं ठेकेदार, या कोई पुलिया बनाने का ठेका ले लेते हैं, कोई फ्लाईओवर या कोई डैम बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, वो जो होते हैं ठेकेदार उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, है ना? तो एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें क्या है, जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, हमने कोई ठेका ले लिया, तो हमको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है। अगर हम उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे तो हमको पेनल्टी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं यहां से लेके वनस्थली मोड़ तक का रोड बनाने का ठेका लेता हूं, और मैं इसको 1 महीने में कंप्लीट करूंगा, तो 1 महीने में ही वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर वो उसके लिए क्या दिक्कतें आएंगी वो सब फिर मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? गवर्नमेंट तो कहेगी भाई 1 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। तो उसमें भी, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कहा गया है कि इसमें पेनल्टी है फॉर डीले। अगर आपने कंप्लीशन में डीले किया तो पेनल्टी लगेगी। और कितनी लगेगी? तो पहले दिन की कितनी है बेटा? 200। सेकेंड डे की कितनी है? 250। तीसरे डे की कितनी है? 300। तो आप देखो हर दिन 50-50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जा रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये यहाँ पे एपी बन रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस 50-50 का है। yes, तो ये एपी यहाँ पे। yes, sir. अब ये क्या कह रहा है, एक्सेट्रा द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। हर एक दिन की पेनल्टी प्रीसीडिंग डे यानी पिछले दिन की पेनल्टी से 50 रुपए ज्यादा है। ऑब्वियसली ज्यादा है, ये 250 ज्यादा है, 300 इससे 50 ज्यादा है। इस तरीके से पेनल्टी बढ़ती जाएगी आप जितने भी दिन डिले करते हो आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। तो क्वेश्चन ये है, तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन क्या है,
हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन तक वर्क को डिले करता है. कितने दिन? कितने दिन डिले करता है? 30 डेज डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी. दिस इज अवर क्वेश्चन. समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. यस सर. देन स्टार्ट राइटिंग. यस सर. स्टार्ट राइटिंग. हियर इट इज गिवन दैट. अब ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमको 2-3 टर्म्स निकालने हैं और उसके बाद फिर एपी बनानी और जो पूछा वो उसका जवाब देना. तो इट हियर इट इज गिवन दैट पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे. पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे. पहले दिन की पेनल्टी कितनी गिवन है बोलो? रुपीज 200 है ना? यस सर. यस. पेनल्टी फॉर द सेकंड डे. ये कितनी गिवन है? 250. एंड पेनल्टी फॉर द थर्ड डे ये कितनी गिवन है? 300. पेनल्टी फॉर द थर्ड डे 300. और नीचे लिख देते हैं एंड सो ऑन. एंड सो ऑन ये पेनल्टी बढ़ती जा रही है. डॉट डॉट. ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का? यस सर. यस सर. हो गया यहाँ तक सबका? अब देखो, अब यहाँ पे yes. अब यहाँ पे ये एपी बन रही है तो मैं लिख देता हूं. नाउ इट इज क्लियर दैट या इट फॉलोज एन एपी. इट फॉलोज एन एपी और एपी लिख दो. 2-3 टर्म्स जो भी है. पहली टर्म 200 आ रही है, सेकेंड टर्म आ रही है 250, देन 300, कॉमा इस तरीके से एपी बन गई. ये चीज क्लियर हो गई. अब आगे देखो वेयर. वेयर ए तो क्या हो जाएगा? पहली टर्म यानी कि 200 है ना. एंड डी क्या हो जाएगा? दूसरी में से पहली को माइनस कर दो यानी कि 250. तो ए एंड डी आ गए है ना. एओडी आ गए. yes, और yes, sir. आ जाए तो फिर क्या होता है बताओ? एओडी आ जाए तो फिर किसी एपी का एओडी पता है तो सारी कुंडली पता है. उसकी सारी जन्म कुंडली हमको पता है, उसके सारे राज हम जानते हैं. ठीक है ना, यानी सारे राज पता कर सकते हैं. ये मतलब एक तरीके से ताले की चाबी है एओडी. अब क्या पूछ रहा है वो हमसे? वो हमसे पूछ रहा है कि 30 दिन तक वर्क डिले हुआ तो टोटल पेनल्टी कितनी होगी. तो देखो पहले दिन की पेनल्टी कितनी होगी? 200. फिर दूसरे दिन की पेनल्टी 250. तीसरे दिन की पेनल्टी 300. ऐसे करते 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 30 टर्म्स होंगे क्योंकि 30 दिन उसने वर्क को डिले किया है ना. और फिर टोटल पेनल्टी पूछ रहा है. ऐसे पूछता कि तीसरे दिन की पेनल्टी कितनी है तो मैं कह देता 300, या मुझसे पूछ देता कि 15वें दिन की पेनल्टी कितनी है तो मैं A15 निकाल लेता. लेकिन टोटल पेनल्टी चाहिए, टोटल. तो फिर बताओ क्या निकालना पड़ेगा? S30. सम निकालना है क्योंकि टोटल पेनल्टी है. पहले दिन की पेनल्टी भी ऐड होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, पूरे 30 दिन की पेनल्टी होगी. तो हमको क्या निकालना है? 30 टर्म्स का सम निकालना है, हमको S30 निकालना है. क्लियर? यस सर. यस सर. Now we are required. हमको किस चीज क्या चीज करने की जरूरत है वो लिख देते हैं. We are required to find the sum. To find the sum of the first 30 terms. शुरू के 30 terms का sum. Of the AP. इस AP के शुरू के 30 terms का sum पता लगाने की हमको जरूरत है ना. ठीक है. We know that an का फॉर्मूला लगा दो. पहले यहाँ पे लिखो अगर 30 टर्म्स का सम चाहिए. अगर 30 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी. Yes sir. We know that sn, बोलो फॉर्मूला. n upon 2. a 2a + n - 1 d into d. ठीक है एंजल. अब n की वैल्यू तो 30 पुट अप करनी है हमको.
गिवन है, ए की वैल्यू जो गिवन है वो पुट अप करो, डी के सब कुछ हमको गिवन है, तो निकाल लेते हैं जल्दी से. सो एस एन की वैल्यू लग दी मैंने 30, इट बिकम्स 30/2. 2a, a कितना था पहले दिन की पेनल्टी कितनी थी 200 है ना, प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 30-1 इंटू डी 50. क्लियर? 30/2 कितना होता है 200 इंटू 2 कितना होता है 400 प्लस 29 इंटू 50 बिकम्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना होगा 1450. 15 इंटू इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 1850. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 27750. राइट? यस सर. जिन लोगों को टेबल्स याद नहीं है उन लोगों के, तो उन लोगों के लिए इतनी जल्दी कैलकुलेट करना एक सपना ही है, सपना ही रहेगा जब तक आप है ना टेबल्स को लर्न नहीं कर लेते. चलिए, तो यानी कि 30 टर्म्स का सम 27750 है, यानी एक महीने तक यानी 30 दिन तक अगर वो वर्क को डिले करता है तो उसको टोटल पेनल्टी इतनी देनी पड़ेगी 27750. तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफोर, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिखना जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है. टोटल मनी विच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, लिखो देयरफोर टोटल मनी which the contractor has to pay, as penalty for 30 days of delay, in completion of work, equal to rupees 27,750. This is my answer, final answer. पीछे से मैच कर लो फटाफट. सही है सर. So this is how we solve word problems. हमने पहले भी करी है सेकंड एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व, ए एन वाले फॉर्मूले वाली जो वर्ड प्रॉब्लम थी, एस एन वाले फॉर्मूले वाली वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखो ए एन वाली एस एन से नहीं पूछ सकता या एस एन वाली एन से नहीं पूछ सकता, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम देखे और कोई भी फॉर्मूला उसमें लगवा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, अभी जैसे यही क्वेश्चन आ जाए और इसमें पूरे 30 दिन की पेनल्टी ना पूछ के केवल 30वें दिन की पेनल्टी पूछ ले, 30th डे, ध्यान से समझो, 30 डेज की पेनल्टी और 30th डे की पेनल्टी, दोनों में अंतर है, दोनों बातों में. 30 डेज की पेनल्टी मतलब सारे 30 दिन की पेनल्टी, पहले दिन की, दूसरे दिन की, अप टू 30 डेज. और 30th डे की पेनल्टी मतलब केवल 30th डे पे कितनी पेनल्टी लगी. तो अगर 30th डे की पेनल्टी पूछता तो मुझे क्या निकालना होता बताओ, तो भी क्या सम निकालते, फिर A30, फिर हम 30th टर्म निकालते ओनली. ठीक है? यस सर. इससे हम A30 निकाल, अगर ये पूछता तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16. ए सम ऑफ रुपीज 700, कुछ 700 रुपए की रकम है, इसको यूज करना है. कैसे यूज करना है? 7 कैश प्राइजेस देने हैं बच्चों को ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. उनकी ओवरऑल जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस उन्होंने दी है ना, उन बच्चों को 7 कैश प्राइजेस देने हैं, लेकिन टोटल पैसा कितना है हमारे पास देने के लिए 700 रुपए में से यूज करके कैसे भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ तक क्लियर है इंफॉर्मेशन? यस सर. अब सुनिए, ऑब्वियसली फर्स्ट प्राइज जो होगा, ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्राइज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सेकेंड प्राइस उससे थोड़ा कम होगा, थर्ड प्राइस उससे थोड़ा सा और कम होगा, और ऐसे चलते 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 टोटल 7th प्राइस सबसे कम होगा. यस और नो? ये तो अंडरस्टूड सी कॉमन सेंस की बात है. यस सर. मान लो सबको अगर इक्वली प्राइस मिल जाए सातों के सातों को, मान लो जैसे 700 रुपए, तो आप कह दोगे कि सर सबको 100 रुपए बांट दो, तो फिर फर्स्ट आने का क्या फायदा,
फिर तो जो फर्स्ट आ रहा है उसको भी 100 मिल रहे हैं, जो सेवंथ आ रहा है उसको भी 100 मिल रहे हैं, तो फायदा नहीं हुआ ना, समझ गए? जैसे अभी आप क्रिकेट मैच भी देखते हो तो जो टूर्नामेंट जीतता है उसको ज्यादा अमाउंट मिलता है, और जो रनर अप होता है जो सेकंड पोजीशन पे थर्ड, तो उनको थोड़ा सा कम प्राइज मिलता है ना, बोलो होता है ऐसा? तीवरा से तीवरा को पता होगा, तीवरा नहीं आई आज भी, और कौन नहीं आया तीवरा के अलावा? एक जना और कोई नहीं है, ठीक है? और आज कोई बीच में से क्लास छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, समझ गए सब लोग? जिसको भी जाना है या कौन नहीं है? दीपेश, ओके दीपेश, ओके। आज अगर किसी को बीच में अगर इमरजेंसी में भी जाना है तो पूछ के जाएगा, ठीक है? सर दीपेश का मेरे पास मैसेज आया है कि सर को बोल देना कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। उसने ज्वाइन नहीं किया या बीच में गया है वो? सर अभी गया ही है। अच्छा अभी अभी गया? हाँ वो बोल रहा है मैं दोबारा रिजॉइन कर रहा हूँ। अच्छा तो वो तेरे को क्यों मैसेज करता है? तेरे को सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है क्या? उसने सैलरी देता है क्या तेरे को या तू उसको? नहीं सर, मतलब एक फ्रेंड है सर, इसी फ्रेंड को एक फ्रेंड ही कर सकता है। अच्छा सर को नहीं कर सकता, मतलब टीचर को? सर आप देखो ना, क्लास ले रहा हूँ। अच्छा मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तू पढ़ नहीं रहा है, मतलब है ना? उसको पता है ये तो कहाँ पढ़ रहा होगा, इसको भेज देता हूँ। सर ऊपर आया था, ऊपर है ना वो आता है ना नोटिफिकेशंस में, उस पे लिखा हुआ आया था कि सर को बोल दी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके चलो ठीक है, और कोई जो बीच में गया हो? दीपेश एंड तीवरा, बस बाकी तो सब आए ना? यस सर। ओके नो वन विल लीव द क्लास विदाउट प्रायर परमिशन। ओके चलो बात करते हैं, तो इस तरीके से 7 कैश प्राइजेस हमको देने, टोटल 700 रुपए है, लेकिन बजट थोड़ा कम है हमारा, गरीबों वाला स्कूल है ऐसे मान लो। आगे चलते हैं। If each price is rupees 20 less than its preceding price, हर एक प्राइस पिछली मतलब उससे अगली प्राइस नहीं, हर एक प्राइस उससे पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है, समझ में आया क्या कह रहा है? हर एक प्राइस, जैसे मान लो फर्स्ट प्राइस जो भी होगा, फर्स्ट प्राइस जो भी होगा उससे 20 कम सेकेंड होगा, उससे 20 कम थर्ड होगा, ऐसे करते करते लास्ट प्राइस जो होगा वो 6th वाले से 20 कम होगा, ऐसे करके हर एक कैश प्राइस पिछले वाले कैश प्राइस से 20 रुपए कम है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आपको हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है, आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके बताने 700 रुपए साथ में, ताकि हर एक प्राइस पिछले वाले से 20 रुपए कम हो। तो देखिए मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो अगर 20 रुपए का डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस भी 20 का ही होगा ना, अगर 20 का यस सर। और 20 का नहीं होगा बेटा, 20 का नहीं होगा, बताओ कितने का होगा? गलत है, 20 का नहीं होगा, ₹20 ज्यादा हो गया, तो वो तो ऐसे तो होगा नहीं ना, 20-20 रुपए बढ़ाने थोड़े ना, कम करने हमको, समझ में आई? तो डी तो हो गया माइनस, डी तो हो गया माइनस 20, ठीक है साहब। इसके अलावा हमको और कुछ भी नहीं पता, केवल एक ही चीज पता है क्या, कि डी है माइनस 20, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता ना किसी को, ये पता है? नो सर। अब आपको केवल, हाँ बोलो बेटा। सर पता है अभी? सर S7 700 N है 7। अभी दो चीज और पता है, सबसे पहले हमको ये भी पता है कि 7 कैश प्राइजेस हैं, तो N हो गया 7, मतलब ये 7 टर्म्स होंगी, तो N हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एक चीज और पता है कि इन सातों टर्म्स का सम यानी S7 700 है, ये भी तो पता है भाई, इन सातों का वन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सातों टर्म्स का जो सम है वो 700 रुपए, दैट मींस S7 जो है वो 700 है, ये भी तो पता है ना? इसके अलावा कुछ नहीं पता। अब इन सारी इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए मुझे हर एक टर्म निकालनी है, दिस इज अवर टास्क। समझ में आया? शुरू करें? यस सर। Yes, sir. बीच में और भी कुछ पूछ रहा था क्या, कोई डाउट हो तो पूछो। यस सर। सर आपने 14 क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था क्या कल? बिल्कुल दिया था बेटा, 14th भी दिया था। ओके सर। चलो देखो हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या गिवन है, टोटल 700 रुपए और 7 प्राइजेस में हमको डिवाइड करने हैं। ओके तो पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हियर इट इज गिवन दैट
सम ऑफ पूरी वो बुक वाली लाइन छाप दो, ए सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among seven cash prizes, among seven cash prizes such that each prize is rupees 20 less than its preceding price, than its preceding. Yehi hai question as it is shabdi humne. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम लिखते हैं, सो इट इज क्लियर दैट it forms an AP of seven terms. Whose sum is 700? ये चीज क्लियर हो गई कि एक एपी बनने वाली है सात टर्म्स की और उन एपी के सातों टर्म्स का सम 700 है. That is A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. ये तो बन गई एपी सात टर्म्स की. ठीक है, ठीक है, यस सर. एंड डी हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस, जो हो जाएगा वो जाएगा -20. एन हो जाएगा मेरा 7 और ऑल्सो S7 हो जाएगा मेरा 700. तो अब मेरे पास कुछ भी एक्सपेंड करने के लिए नहीं बचा, केवल इसी को तो एक्सपेंड कर सकते हो. S7 को एक्सपेंड करोगे तो S7 को एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं. नाउ वी नो दैट, Sn बराबर होता है, बोलना फॉर्मूला, n/2, 2a+n-1 × b. सो इस हिसाब से S7 बताओ. S7 मीन्स n की वैल्यू 7 पुट अप करो तो n/2 becomes 7/2, 2a+n-1 becomes 7-1 × d. ठीक है ना. और इसकी वैल्यू गिवन है, देखो बेटा 700 S7 की, इंप्लाइज 7/2 2a+7-1 कितना होता है 6d इक्वल टू हो गया 700. अब आप देखो इसमें से 2 को कॉमन ले लो एक बार, तो 2 कॉमन आके बाहर वाले 2 से कट जाएगा. सर आपने d तो लिखा ही नहीं. d एक बार अब एक कॉमन लेने के बाद लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है. 7/2 × 2 तो अंदर से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a+3d = 700. ठीक है, काटो 2 को 2 से. ठीक है, कट गया, बचता क्या है 7 × a+ रख दो, चलो d की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 × d कितना था -20 राइट = 700. आप चाहो तो शुरुआत में भी रख सकते हो, कभी भी किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो. वो क्या है, अंदर वाला d अभी काम नहीं आ रहा था ना भाई, हम बाहर का बाहर ही सॉल्व कर रहे थे तो फिर अंदर वाला d काम नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रखा नहीं. अब डी की अब जरूरत पड़ेगी तो वैल्यू रख दो, हमारे पास है ही सही डी की वैल्यू, कभी भी रखो. ठीक है, अब देखिए 7 को भी वहां पहुंचा देते हैं ना, पहले बाहर ही तो बैठा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा 7 का बताओ, डिवाइड. यहां बचेगा a, अच्छा प्लस 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -60. और 7 को तो पहुंचा दिया वैसे ही वहीं पे, 700/7 क्या होगा बोलना जरा, 100. यहाँ से a माइनस 60 की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -60 उधर जाके +60 यानी कि 1 से +60
यानी कि 160। अब डी तो हमारे पास शुरुआत से ही था, पिक्चर की स्टार्टिंग से ही डी पता था, और इंटरवल तक आते आते ए भी पता चल गया, राइट? और एक बार ए और डी पता है तो अब पिक्चर की पूरी स्टोरी समझ गए आप? यस सर। ठीक है, अब उसको जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। उसको क्या चाहिए? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, सातों टर्म्स चाहिए। सातों टर्म्स को एक्सपेंड करके निकाल लो। कैसे? नाउ देखो, नाउ हमको सातों के सातों टर्म्स चाहिए। A1 सातों के सातों टर्म्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसको सातों के सातों कैश प्राइजेस पता लगाने थे कि कितने कितने रुपए के सात कैश प्राइजेस होंगे। तो मेरे को सातों टर्म्स चाहिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, जो AP बनी थी उसके सारे टर्म्स चाहिए। तो अब सबको एक्सपेंड करना शिवम बताएगा कि कैसे कैसे किस किस टर्म को एक्सपेंड करते हैं। तो शिवम शुरू हो जा भाई। A1 को कैसे एक्सपेंड करेगा शिवम? सर A से ही। पक्का? पक्का है। अच्छा, A2 को? A plus D। ठीक है, A3 को? A plus 2D। अच्छा, अब तो कर लेगा। बताओ भाई बाकी भी बताओ। A4 को? A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D। ठीक है, तो अब A और D सब है ना आपके पास। A, D तो पिक्चर की स्टार्टिंग से था और A इंटरवल में पता चल गया। A कितना पता चला? 160। ये हो जाएगा 160 प्लस। D कितना है बेटा? माइनस का 20। तो 160 में प्लस माइनस 20 करेंगे तो 140, राइट? यस सर। ये बनेगा 160 प्लस 2 × −20। 2 × −20 मीन्स माइनस का 40, और माइनस 40 जब 160 के साथ मिलेगा तो माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि 160 में से 40 गया तो 120। और वैसे भी अब तो आप 20-20 कम करके भी कर सकते हो, वैसे भी देख सकते हो 20-20 कम होते जाएंगे। ये हो गया 60, 160 में से 60 गया 100। ये होगा 4 × −20, 4 × −20 यानी माइनस का 80, 160 में से 80 गया 80। सिक्स्थ टर्म इज 5 × −20, 5 × −20 यानी माइनस का 100 हो गया, 160 माइनस 100, 60 बचा। और लास्ट टर्म A7 हो जाएगी 160 प्लस 6 × −20, 6 × −20 यानी माइनस का 120, और 160 में से 120 जाते ही बचता है 40। तो आप देख सकते हो 20-20 का डिफरेंस हो रहा है, हर एक टर्म में 20-20 रुपए कम है या नहीं है? यस सर। ठीक है, पहले वाले विनर को क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइस कितने रुपए का होगा? 160 रुपए का। और आखिरी प्राइस कितने रुपए का होगा? 40 रुपए का। ठीक है, अब लेकिन सबसे मेन चीज है कि क्या इन सब का सम 700 है क्या? तो वो भी वेरीफाई कर लो, सम भी 700 होना चाहिए। तो यूं ही कर लो, अंगुलियों पे हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। 160 और 140 300 रुपए, तो ये हो गए। फिर हो गए 420, फिर हो गए 520, 520 और 80 600 रुपए, 660, 660 और 40 700 रुपए। दैट मींस हमारा किया हुआ सब सही है, टोटल भी 700 हो रहा है, और हर एक प्राइस पिछली प्राइस से 20-20 कम भी है। हो गया ना? यस सर। स्टेटमेंट लिख देंगे हम, हेंस बुकिश लैंग्वेज में लिखो। क्या कह रहा था वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, hence the value of the values of साथ है ना each price is rupees 160 comma rupees 140 comma rupees 120 comma rupees 100 comma rupees 80 comma rupees 40 plus 40 last है क्या? हो गए क्या? सात? अरे 60 है ना? यस सर। अरे 60 है ना? क्या? यस सर। 40 लास्ट ऑफ 60 नहीं लिखा। दैट्स इट। हो गए। एंड लास्ट वाले को एंड से कनेक्ट करते हैं, हमेशा कॉमा से नहीं करते हैं। एंड रुपीस 40। एंड आते ही मतलब समझ जाना अब लास्ट आ रहा है। जब भी कोई सीरीज चल रही है और कॉमा 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 लगाते लगाते एंड आ जाए ना, दैट मीन्स अब जो है वो लास्ट। क्लियर? ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब देखो कुछ गलतियां देखो बेटा, कई बच्चे करते हैं होमवर्क में, कई बार मैं उस टाइम बताना भूल जाता हूँ, और स्पेशली जिनकी राइटिंग अच्छी है वो ज़्यादा करते हैं, मतलब राइटिंग अच्छी है दैट इज़ गुड,
लेकिन देखो कई बार हम एक्स्ट्रा चीजें कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें मतलब बिल्कुल उसको अलग से दिखाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें करते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर मैथमेटिक्स, वो हम लैंग्वेज के पेपर में कर सकते हैं। देखो ये इम्प्लाइज का साइन होता है, ये किसका साइन होता है बेटा, इम्प्लाइज का। अभी मैं कर रहा था तो एकदम से मुझे बात याद आ गई तो मैंने कहा कि बताई। और ये किसका साइन होता है बोलो, इक्वल टू का। देखो मान लो मैं किसी की वैल्यू निकाल रहा हूं, जैसे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं तो वैल्यू ऑफ एक्स के आगे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। वैल्यू ऑफ एक्स के आगे मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल टू का। मान लो वैल्यू ऑफ एक्स आ गई मेरी 2 × 200 + 40, तो ये मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ये चीज मुझे गिवन नहीं है, ये चीज मैं निकाल रहा हूं, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। कई बच्चे यहां इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं ना, बोलो लगाते नहीं लगाते, या मैं नाम बताऊं कौन कौन लगा रहा है, बोलो लगाते हो कि नहीं लगाते हो। अब मेरे को इसको इक्वल टू का साइन लगा के सॉल्व करना है, इक्वल टू 2 × 200 = 400 इक्वल टू 440, बिकॉज मैं तो वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वैल्यू निकालूंगा तो इम्प्लाइज का साइन क्यों आएगा। इम्प्लाइज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इम्प्लाइज का, पिछली चीज से कुछ रिजल्ट लेना। मान लो पिछली हमारे पास ये चीज है, इससे हमने ये रिजल्ट लिया, इससे रिजल्ट क्या लिया कि LHS ये हो गया, RHS ये हो गया, RHS तो सेम वही रहा और LHS ये हो गया, फिर इस पिछली चीज से ये रिजल्ट लिया। तो इम्प्लाइज का मतलब होता है पिछली चीज से कुछ इम्प्लाई करना, पिछली चीज से कुछ रिजल्ट लेना। तो वो अक्सर कब लगाया जाता है, वो अक्सर तब लगाया जाता है जब हमारे पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक LHS होता है, एक RHS होता है, बीच में ऑलरेडी इक्वल का साइन होता है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि जब ऑलरेडी इक्वल का साइन है तो फिर इक्वल का साइन दोबारा तो लगेगा नहीं, तो फिर दोबारा किसका साइन लगेगा, इम्प्लाइज का साइन लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे कई बार ऐसे लिखते हैं, मान लो इसी को मेरे को लिखना है तो फर्स्ट प्राइज इम्प्लाइज A1 इम्प्लाइज 160, गलत तरीका ये। यहाँ पे इम्प्लाइज क्यों लिख रहे हो, आप तो वैल्यू लिखना चाह रहे हो ना, आपको इक्वेशन थोड़ा लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ, फर्स्ट प्राइज इक्वल टू A1 इक्वल टू 160। क्लियर है? यस सर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर क्या होता है, क्या होता है, स्टूडेंट्स थॉट, स्टूडेंट्स ने सोचा ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कि चलो पेड़ जो है वो लगाते हैं, प्लांट करते हैं ट्रीज को, इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर भी स्कूल के बाहर भी, अराउंड मतलब उसके आसपास भी, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ताकि एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या ऐसा स्टूडेंट्स, बताओ सोचा है कभी ऐसा? यस सर, सोचे भी तो और पेड़ लेके भी गए थे, लेकिन टीचर ले लिया और घर पे लेके लगा के चल गए। ऐसा भी होता है क्या? चलो किसी का स्कूल वाले, चलो कोई बात नहीं, किसी का तो भला हुआ, पेड़ लगने से किसी का तो भला ही होगा ना, चलो वेस्ट तो नहीं हुआ, कम से कम आपका जो एफर्ट था वो किसी के तो काम आया। चलो आगे चलते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा डिसाइड किया गया, स्टूडेंट्स ने प्लानिंग करी तो कुछ डिसीजन तो लिया होगा, क्या डिसीजन लिया, कि नंबर ऑफ ट्रीज, कितने पेड़ लगाओगे, ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, उतने ही करेगा, विल बी द सेम, उतने ही करेगा एज द क्लास, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उतने ही ट्रीज वो प्लांट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी है कि क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है तो एक ही ट्री प्लांट करेगा हर एक सेक्शन। मान लो क्लास फर्स्ट के, मान लो ध्यान से देखो, मान लो क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है, तो क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है ना, तो हर एक सेक्शन एक एक ट्री प्लांट करेगा। समझ में आया? मान लो क्लास सेकंड में कोई पढ़ रहा है, मान लो क्लास सेकंड में 2 सेक्शन है हमारे पास, तो क्लास सेकंड में पढ़ने वाले जो सेक्शन होंगे दोनों, वो दो दो ट्री प्लांट करेंगे, क्योंकि वो क्लास सेकंड में पढ़ रहे हैं। अब समझ में आया सिस्टम, और ये का यही चलती रहेगी टिल क्लास 12th, ऐसे करते 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 12th क्लास तक ये सीरीज चलेगी। मान लो 12th क्लास में भी 2 सेक्शन है, तो कितने कितने वो जो सेक्शन है कितने कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 12, क्योंकि 12वीं में पढ़ रहे हैं वो, 12। ठीक है, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन उतने ही ट्री प्लांट करेगा जिस क्लास में वो पढ़ता है या जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है,
और एक इन्फॉर्मेशन और है, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट में कितने सेक्शन है, दो में कितने सेक्शन है, फोर्थ में कितने, तो आगे इन्फॉर्मेशन और भी है. देयर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास के इसने क्लियर कर दिया तीन सेक्शन है, मीन्स इसके भी तीन सेक्शन है और इसके भी तीन सेक्शन है. हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? तीन तीन सेक्शन है. तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 36 सेक्शन हो गए. टोटल कितने सेक्शन हो गए बच्चों? 36 सेक्शन. ठीक है, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, हर एक सेक्शन, हर एक क्लास में तीन सेक्शन. ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? कुल मिला के कितने ट्रीज प्लांट होंगे? यानी हमको वही सम निकालना है. ठीक है, यस. क्वेश्चन समझ आया सभी को? चलो उसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लो और इसको करते हैं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है. अब की बार आप भी ऐसा कुछ डिसाइड करो, ट्री प्लांटेशन का कोई कैंपेन आए तो उसमें आप भी ऐसा ही डिसीजन ले सकते हो भाई, जैसे जो जो इस क्लास में पढ़ेगा उतने ही ट्री वो प्लांट करेगा. उससे क्या होगा, ज्यादा लोड नहीं आएगा ना, जैसे जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं इतना एफर्ट लगा पाते तो उन पर कम लोड आएगा, जो सीनियर क्लासेस हैं उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है क्योंकि वो सीनियर है. लेकिन होता अक्सर उल्टा है, सीनियर उल्टा कम एफर्ट लगाते हैं, जूनियर ज्यादा लगाते हैं. राइट? यस सर. ऐसे होता है ना, ये दिव्यांग सीनियर से फोटो के छीन लेते हैं. हां अरे वो एफर्ट तो हो जाते हैं ना, जैसे ये जूनियर का शुरू होता है इसलिए उनको इंटरेस्ट रहता है. हाँ, जैसे दिव्यांग जूनियर था तो कितने एफर्ट्स लगाता था, पढ़ाई में भी बहुत एफर्ट्स लगाता था. अब जैसे जैसे ये सीनियर होता जा रहा है तो उसके एफर्ट्स टूटते जा रहे हैं, है ना दिव्यांग? चलो यस सर. देखो यस, में ईमानदारी से मान लेता है वो अपनी गलती, ऐसी बात नहीं. हियर इट इज गिवन दैट. चलो चलते हैं आगे. टोटल क्लासेस हैं 12 क्लासेस एंड हर एक क्लासेस में सेक्शंस हैं 3, ये चीज गिवन है हमको. और उसके बाद हमको क्या गिवन है कि क्लास फर्स्ट जो है एक ट्री लगाएगी इस तरीके से, है ना. तो मैं लिखता हूँ, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट से शुरू करते हैं. ईच सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, ईच सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट कितना? एक एक ट्री, राइट? एक एक ट्री प्लांट होगी ना. तो और हमको ये भी तो लिखना पड़ेगा, ये तीन सेक्शंस हैं. चलो हम अंडरस्टूड मान लेंगे क्वेश्चन से. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय कितने सेक्शंस हैं क्लास फर्स्ट में? तीन. सब में तीन तीन ही तो है, थ्री सेक्शंस ऑफ क्लास फर्स्ट. तो कितने ट्री हो जाएंगे? हर एक सेक्शन को एक एक करना है और टोटल सेक्शन है तीन, तो तीन ट्रीज तो हो गए क्लास फर्स्ट की तरफ से. क्लियर आया ना? ऐसे हमको क्लास थर्ड तीन टर्म्स ये बनाने हैं और फिर लास्ट एक क्लास ट्वेल्थ का भी बनाना है. ठीक है, अगेन अब क्लास सेकेंड का बनाते हैं. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड. अब क्लास सेकेंड का हर एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा बताओ? टू क्लास सेकेंड में. तो सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो क्लास सेकेंड से मिले वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय कितने सेक्शन हैं क्लास सेकेंड में भी? तीन ही है, सब में तीन तीन ही है. बाय थ्री सेक्शंस ऑफ क्लास सेकेंड, तो हर एक सेक्शन दो दो प्लांट करेगा, टोटल सेक्शन हैं तीन, तो टोटल ट्रीज कितने हो गए सेकेंड क्लास की तरफ से? सिक्स. अगेन आ जाओ ये की ये कहानी तीसरी क्लास के लिए चलते हैं. नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच सेक्शन ऑफ क्लास थर्ड. याद रहे क्लास थर्ड को क्लास थर्ड ही बोला करो, कई लोग थर्ड क्लास बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास का मतलब तो क्या होता है? बहुत बुरा, है ना. तो थर्ड क्लास ना बोल के क्लास थर्ड ही बोला करो. फाइन
ठीक है चलो बताओ तो क्लास थर्ड के हर एक सेक्शन के बच्चे कितने कितने ट्रीज प्लांट करेंगे थ्री ट्रीज क्योंकि वो क्लास थर्ड में है सो क्लास थर्ड से हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by three sections of class third. तो total 36 classes simultaneously चलती है मतलब इस स्कूल में 12 × 3 चलो class third से हमारे पास कितने आएंगे three तो हर एक section करेगा और section भी तीन ही है तो 9 trees आ गए आपके class third से यहाँ तक कोई doubt किसी को लास्ट टर्म भी बनानी है तीन टर्म्स तो बना दी मैंने अच्छा टर्म्स ये हैं बेटा टर्म्स ये मत मानना आप टर्म्स ये हैं जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो रही है ना पहली टर्म ये एपी की दूसरी टर्म ये एपी की तीसरी टर्म ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ रही है ना क्लास फर्स्ट से क्लास सेकंड से क्लास थर्ड से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो मेरी A1 A2 A3 तो इस तरीके से क्लास ट्वेल्थ की भी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लेते हैं वो मेरी फाइनल टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी है ना ऑल्सो number of trees planted by each section of class 12th बोलो class 12th का हर एक section कितना contribute करेगा 12 so total number of trees planted by वही तीन सेक्शन है इसमें भी थ्री सेक्शंस ऑफ क्लास 12th कितना हो जाएगा बोलो 36 ठीक है बच्चों यस सर सो इट फॉलोज इन एपी So it follows NAP और AP किस तरह की दिखाई दे रही है पहली टर्म 3 फिर 6 फिर 9 और लास्ट टर्म क्या हो रही है 36 है ना लास्ट टर्म क्या हो रही है 36 राइट यस सर और ये 36 कौन सी टर्म है वो भी पता है बेटा मुझे कौन सी टर्म है ये 12th टर्म है चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 12th टर्म है ये क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं लास्ट टर्म को ए एन के बराबर मान के ए एन के बराबर लास्ट टर्म को मान के हम एन की वैल्यू निकालते हैं ना तो यहाँ तो एन की वैल्यू भी पता है मुझे 12 है मतलब निकालने की जरूरत नहीं है मुझे पता ही 12 है क्लियर वेयर यस सर इस एपी के सारे राज पता करते हैं हम वेयर ए तो क्या होगा 3 बोलो डी क्या होगा 6 − 3 दैट इज 3 क्योंकि तीन तीन के गैप में चल रहा है सब और क्या पता है आपको एन भी पता है टोटल टर्म्स कितनी है 12 और लास्ट टर्म भी पता है आपको 36 तो इसका तो कुछ ज्यादा ही पता है आपको ए और डी पता होता है तो ही सब कुछ पता होता है इसकी तो और भी पूरी स्टोरी पता है इसकी तो इस मूवी के तो डायलॉग्स भी रट गए ठीक है क्लियर सब पता चल गया डायरेक्टर के राज भी पता चल गया मूवी के राज तो पता थे ठीक है चलिए चलते हैं आगे अब चाहिए क्या साहब उसको अब इसको चाहिए इन 12 की 12 टर्म्स का सम पे टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए जैसे फर्स्ट क्लास ने 3 पेड़ दिए सेकंड क्लास ने 6 दिए थर्ड क्लास ने 9 दिए मतलब क्लास थर्ड ने सॉरी और क्लास फोर्थ ने 12 दिए ऐसे करते करते क्लास 12th ने 36 दिए तो टोटल ट्रीज कितने मिले यानी हमको क्या निकालना है बताओ मैथमेटिकली कहूँ तो क्या निकालना होगा बारह टर्म्स का सम वेरी गुड नाउ वी आर रिक्वायर्ड We are required to find the sum of first 12 terms. वैसे तो इसमें total terms हैं ही 12, लेकिन मैंने क्या कहा SN का formula लगाते हैं तो first लगाना जरूरी होता है First 12 terms of this AP. इस AP का हमको पहले 12 terms का sum निकालने की जरूरत है ठीक है We know that LSN का फॉर्मूला लिखते हैं हम जो हमारा रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हैं हमारा ट्रेडिशन है 2a plus n minus 1 multiplied by t इसमें a plus l वाला भी तो लगा सकते हैं ना मैं a plus वेरी गुड a plus l वाला ही लगाओ
क्यों हम ज्यादा लंबा करें, ए प्लस एल वाला ही लगा दो, बिल्कुल सही। तो एन बी है हमारे पास ए प्लस एल, सो एस 12 चाहिए ना मुझे, तो एन की वैल्यू तो हो गई 12 बाय 2, ए कितना था 3 और एल कितना था 36, ठीक है, तो डी की जरूरत भी नहीं पड़ी हमको ना, हालांकि हमने निकाल के रख दिया था उसको, तो 12 बाय 2 कितना हो गया 6 इंटू 3 प्लस 36 कितना हो गया 39, 69 या 54, 5, 18 and 5, 23, मैच करो पीछे से आंसर। यस सर सही आ रहा है पक्का? यस सर यस ओके, तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे जो बुकिश लैंग्वेज, क्या कह रहा था, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द ऑल द स्टूडेंट्स, हेंस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ ऑल द क्लासेस, सारे क्लासेस के सारे सेक्शंस के सारे बच्चों द्वारा कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे, 234 ट्रीज। डन, समझ आया? Yes, sir. पक्का समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन भी हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा टेढ़ा है, 19 उससे टेढ़ा है, 20 सबसे टेढ़ा है। सर कल ही कर लेंगे ना? Yes, sir, कल ही कर लेंगे। Yes, sir, कल करोगे, फिर आज का होमवर्क क्या दें? सर रहने तो एक दिन नहीं मिलेगा होमवर्क तो क्या हो जाएगा? सर मेरे को डिस्काउंट दे दो। नहीं तेरे को डिस्काउंट नहीं, तेरे को पूरा करना है बस, डिस्काउंट डिस्काउंट यही है कि आज मैं तेरे को होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और कोई डिस्काउंट नहीं है। और कोई डिस्काउंट देना चाहिए क्या बोलो शिवम को? नहीं सर, सर देख लो सब बोल रहे हैं आपकी मर्जी सर, मतलब एक एक बार तो मर्जी यही नहीं, मेरी तो मर्जी यही नहीं, मेरी मर्जी तो उल्टा 10 टाइम्स देने की है, बोल मेरी मर्जी से चार चार बार कर दो ना। अच्छा चल, चार चार बार करके आएगा, इससे कम नहीं होगा। हाँ सर, इनटू फोर इनटू सर तीन तीन बार के साथ आएगा। नहीं ज्यादा बार्गेनिंग करेगा तो फिर नुकसान में मिलेगा, ठीक है? सब्जी मंडी में आएगा, बार्गेनिंग कर रहा है। चलो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर।